bismillah rahman rahim students of 7th class assalamualaikum alaikum students today we are going to translate the chapter number 3 and the name of the chapter is the story of an invitation story of invitation an invitation is a story of two girls named by bertha and grace she both were uh, she both were roommates and classmates

हाउस टू हर रूम ऑन द थर्ड फ्लोर दर्ड हरीड मीम जल्दी से बर्था सुदरलैंड डाखाने से जल्दी जल्दी घर आई और अपने बोर्डिंग हाउस की सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी मंजिल पर वाक अपने कमरे में पहुंची हर रूम मेट ग्रेस मैक्सवेल वॉज सिटिंग ऑन दीवान बाय द विंडो लुकिंग आउट इन द टलाइट दीवान इज अ बैकलेस सोफा वाइट टॉयलाइट रेफल्स टू डार्क इवनिंग मीन के जिसे उर्दू में धुंधलका कहते हैं इसकी रूम मेट ग्रेस मैक्सकोवेल खिड़की के पास सोफे पर बैठी बाहर धुंधलके को घूर रही थी धुंधलका शाम का अंधेरा आईअर गो बर्था एंड ग्रेस हैड टू टू डार्टमाउथ अटेंड द अकेडमी एंड फाउंड देंसेल्स रूममेट एक साल पहले बर्था और ग्रे, ग्रेस अकेडमी में तालीम हासिल करने के लिए डार्ट माउथ आई और एक दूसरे को रूममेट पाया। बर्था वॉज ब्राइट प्रिटी एंड पॉपुलर, द फेवरेट ऑफ आर क्लासमेट्स एंड टीचर्स प्रीटी खूबसूरत वर्ड ब्राइट मीन जहीन पॉपुलर, मकबूल बर्था जहन ख़ूबसूरत और ग्रेस मकबूल थी और अपने हम जमातों और उसकी की पसंदीदा भी ग्रेस वॉज अ ग्रेव क्वाइट गर्ल ड्रेसड इन मॉर्निंग ड्रेसड इन मॉर्निंग मीन गम में गम का लिबास पहने मातमी लिबास ग्रेस एक संजीदा और खुशतबा लड़की थी मातमी कपड़ों में मलबूस शी वॉज क्वाइट अलॉन इन दर्ल्ड वो पूरी दुनिया में अकेली थी दूटिंग uh, आंटी उसे यहां लाई थी हाल ही में इस दुनिया, से, uh, दुनिया से चली गई थी वफा पा गई थी एटफर्स विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट that followed was a pleasant one, pleasant पसंदीदा पहले पहल खुश खुश मिजाज और जहीन बर्था के सामने उसे झिझक महसूस हुई लेकिन जल्दी वो दोस्त बन गई और आने वाला साल बेहद खुशगवार रहा स्टूडेंट्स आज हमने पेज नंबर थर्टी वन पर जो हमारे पैराग्राफ हैं इनकी रीडिंग की है ट्रांसलेशन की है उर्दू में आपने इस ट्रांसलेशन को इसके वर्ड मीनिंग जो है वो राइट करने हैं अपनी कॉपीज़ पे भी और टेक्स्ट बुक पे भी और एज आ होमवर्क आपने इस मीनिंग को राइट भी करना है नेक्स्ट भी लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपनी रीडिंग को अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़